गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैसिव शेल्फ क्लाउड फॉर्मेशन। तो थोड़े दिन पहले जो है एक हरिद्वार के पास उत्तराखंड में मैसिव शेल्फ क्लाउड जो है वो स्पॉट जो है वो किए गए हैं, जिस वजह से मैसिव शेल्फ क्लाउड जो है वो आपके न्यूज़ में आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ क्योंकि ये आपके स्टैटिक जो टॉपिक होता है उसका पार्ट होता है टाइप्स ऑफ क्लाउड, तो उस वजह से आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड जो है वो भी न्यूज़ में जो है वो आ जाते हैं। तो ये आप जो है फोटोग्राफ जो है ये अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये देखो, इस तरीके के मैसिव शेल्फ क्लाउड जो हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो हो गई थी हरिद्वार के पास, तो इस वजह से आपके टाइप ऑफ क्लाउड जो हैं वो न्यूज़ में आ गए हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले शेल्फ क्लाउड जो होते हैं ये क्या होते हैं। शेल्फ क्लाउड जिनको आर्कस क्लाउड भी कहा जाता है, ये जनरली एसोसिएटेड होते हैं पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम से। जनरली जब पावरफुल स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म जो है, इस तरीके का कोई भी आप कह सकते हो कि डिजास्टर जो है जब वो आने वाला होता है, तो उससे पहले जो है शेल्फ क्लाउड जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। ये जनरली जो आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं उनके नीचे जो है बीनीथ जो है वो पाए जाते हैं, और ये इंटेंस रेनफॉल जो है ये कॉज करवाते हैं। और जो रेनफॉल जो इससे इन क्लाउड्स की वजह से होती है, शेल्फ क्लाउड्स की वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस जो है वो होती है। दे ऑफन अपियर अहेड ऑफ पावरफुल थंडरस्टॉर्म्स विद हैवी रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थंडरस्टॉर्म से पहले जो है इस तरीके के क्लाउड जो है वो बनते दिखाई जो है वो देते हैं, और उसी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो लेके आते हैं, और कभी कभी ये जो है हेल्स या फिर टॉर्नेडोज जो है ये भी अपने साथ जो है ये ले आते हैं। मतलब अगर किसी जगह पे टॉर्नेडो जो है वो आना होगा, तो उससे पहले जो है ये इंडिकेशन दी जाती है कि वहां पे पहले शेल्फ क्लाउड जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनकी फॉर्मेशन जो है ये किस तरीके से होती है। तो एक जो कोल्ड डाउन ड्राफ्ट जो होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का, वो क्या करता है, वो ग्राउंड पे जो है वो रीच कर जाता है, जिस वजह से एक कोल्ड एयर जो होती है वो स्प्रेड कर जाती है ग्राउंड के ऊपर, जिस वजह से वो क्या करती है, जो आपकी वार्म एयर जो होती है उसको जो है अपवर्ड जो है वो मूव करवाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही आपकी कोल्ड एयर जो है वो डिसेंड करती है, तो वो क्या करती है, जो आपकी वार्म एयर होती है उसको अपवर्ड जो है मूव करवाती है, जिस वजह से क्या होता है आपकी कंडेंसेशन जो है वो हो जाती है, और जो नए क्लाउड जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन जो है ये हो जाती है। तो वो जो नए क्लाउड जो होते हैं वो आपको एज ए शेल्फ क्लाउड की तरह जो है वो अपीयर जो है वो होते हैं। अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है टाइप ऑफ क्लाउड्स, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हम जनरली क्लाउड जो होते हैं उनको तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये जो उनकी क्लासिफिकेशन होती है वो उनकी हाइट के बेसिस के ऊपर जो है वो हम इनको क्लासीफाई जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं हाई क्लाउड्स। तो हाई क्लाउड्स में आगे बेसिकली जो मेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हाई क्लाउड्स, मिडल क्लाउड्स और लो क्लाउड्स के बीच में हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट हम इनको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अब हाई क्लाउड्स के अंदर वेरियस क्लाउड्स आते हैं, ऐसे ही मिडल जो क्लाउड्स होंगे मिडल क्लाउड्स उनके अंदर भी वेरियस क्लाउड्स आएंगे, और ऐसे ही लो क्लाउड्स जो होंगे उनके अंदर भी वेरियस क्लाउड जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो पहले हाई क्लाउड जो देखते हैं वो उसमें कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके सीरस क्लाउड्स। सीरस क्लाउड जो होते हैं ये आपके हाई अल्टीट्यूड जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, और ये विस्पी शेप जो होती है या फेदर लाइक शेप जो होती है वैसे जो है ये दिखाई देते हैं। इनका कलर जो है वो जनरली व्हाइट होता है, और ये कंपोज होते हैं आइस क्रिस्टल से, ये जो है ये बने हुए होते हैं, और ये फेयर वेदर जो है उसके साथ जो है ये एसोसिएटेड होते हैं। सीरस क्लाउड्स कैन कॉज हेलो अ रिंग अराउंड द सन और द मून। तो ये हेलो लाइक स्ट्रक्चर जो है कई बार बना देते हैं, सन और मून के अराउंड जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं, तो उन क्लाउड्स को जो है सीरस क्लाउड जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सीरो कमलेस क्लाउड्स। हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं ये भी, डेट अपियर्स एज स्मॉल व्हाइट एंड फ्लफी क्लाउड्स। तो ये स्मॉल व्हाइट और फ्लफी क्लाउड्स के तरह पैचेस के तरह जो है ये नजर आते हैं, और इनकी जो वेव लाइक वेवी और हनी कॉम लाइक पैटर्न जो है ये शो करते हैं। थर्ड क्लाउड है आपके हाई क्लाउड्स में ही सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ये भी हाई एल्टीट्यूड पे ही पाए जाते हैं, जो कि थिन और वाइटिश वेल जो होती है वो इनके ऊपर बनी हुई होती है। दे कैन प्रोड्यूस हेलोज अराउंड द सन और मून। ठीक है, तो जितने भी आपके हाई क्लाउड्स होंगे वो हेलो जो है सन और मून के अराउंड जो है वो बनाते हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके मिडल क्लाउड्स। मिडल क्लाउड्स में आपके आते हैं सबसे पहले ऑल्टो कम्युलस क्लाउड्स। तो जो ऑल्टो जहां पे भी वर्ड जो है वो आपका आ जाएगा, तो वो क्लाउड जो है वो आपके ग्रेश जो है वो नजर आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके ऑल्टो कम्युलस क्लाउड्स। तो मिड लेवल क्लाउड्स होते हैं ये, दैट फॉर्म्स व्हाइट और ग्रे पैचेस और लेयर्स। ठीक है, तो ये व्हाइट या फिर ग्रे पैचेस जो है ये बनाएंगे, या तो पैचेस बनाएंगे या फिर लेयर्स जो है वो बनाएंगे। दे ऑफन हैव अ वेवी और लंपी अपीयरेंस। तो इनकी अपीयरेंस जो होती है वो वेवी होती है या फिर लंपी होती है।
सेकेंड आते हैं आपके ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स, तो ये भी मिड लेवल क्लाउड्स होते हैं डेट क्रिएट अ यूनिफॉर्म ग्रे और ब्लूइश ग्रे लेयर कवरिंग द स्काई। ठीक है, तो इनका कलर जो होता है वो ग्रे या फिर ब्लूइश ग्रे जो है वो होता है। दे आर थिकर एंड डेंसर देन सीरो स्ट्रेटस क्लाउड्स, तो ये जो सीरो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं उनसे थिकर होते हैं और डेंसर भी जो है वो होते हैं, और ये लाइट प्रेसिपिटेशन जो है वो भी कॉज करवा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड टाइप के क्लाउड्स जो कि लो क्लाउड्स आते हैं, तो उसमें आते हैं सबसे पहले आपके क्यूमुलस क्लाउड्स। ये जनरली फ्लफी जो होते हैं वो होते हैं और साथ में इनका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है विद अ फ्लैट बेस एंड अ राउंडेड टॉप। तो जो इनका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है और जो इनका टॉप जो होता है वो राउंड होता है। दे आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय राइजिंग वार्म एयर, जब आपकी वार्म एयर जो होती है वो राइज करती है तब ये जो है ऐसे क्लाउड जो है ये लो क्लाउड जो है तब फॉर्म होते हैं, और जनरली ये जो है हम इन्हें सनी डेज के दौरान जो है हम देख सकते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स कैन डेवलप इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स। तो जो आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो थंडरस्टॉर्म्स के साथ जो है ये एसोसिएटेड होते हैं, तो जो आपके क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं वो आगे जाके जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर्स, तो जो क्लाउड्स जो लेयर्स बनाएंगे उनको जो है वो हम स्ट्रेटस क्लाउड जो है वो कहेंगे। स्ट्रेटस क्लाउड्स आर लो लेवल क्लाउड्स दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेइश लेयर कवरिंग द स्काई। They often bring drizzle or light precipitation and can create a dull overcast appearance. ठीक है, तो ये क्लाउड जो होते हैं ये ग्रे कलर के होते हैं और ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, और कभी कभी जो है ड्रिजलिंग जो है वो भी करवाते हैं। ड्रिजलिंग होती है आपकी छोटी छोटी जो जो बारिश की बूंदें जो होती हैं उनको ड्रिजल जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स, तो ये भी लो लेवल क्लाउड्स होते हैं विद अ पैची अपीयरेंस, तो इनके जो है पैचेस जो है वो बने हुए होते हैं ऑफन अपीयरिंग एज अ राउंडेड मासेस, तो इनकी जो शेप जो होती है वो राउंड होती है। दे कैन बी व्हाइट और ग्रे एंड कवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्काई, तो ये व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं और ग्रे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, ये थिक होते हैं डार्क होते हैं और ये फीचरलेस क्लाउड जो है ये इनको कहा जाता है। दे ब्रिंग कॉन्टिन्यूस प्रेसिपिटेशन ऑफन लास्टिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, तो कई बार आप देखते हो ना कि बारिश जो है वो लगातार आपकी चलती जाती है, तो वो बारिश जो होती है वो कौन करवाते हैं, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड जो है वो बारिश जो है वो करवाते हैं। क्लाउड्स दैट एग्जिबिट सिग्निफिकेंट वर्टिकल डेवलपमेंट, तो वो कौन से क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये लार्ज होते हैं, इनके जो टावरिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं, एक लंबे से टावर जो है ये बनाते हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स, तो ये थंडरस्टॉर्म्स जो है ये लेके आते हैं, और ये जनरली हाई अल्टीट्यूड जो होते हैं वहां तक भी ये जो है ये रीच कर जाते हैं, हैवी रेनफॉल करवाते हैं, स्टॉर्म्स भी लेके आते हैं और लाइटनिंग भी जो है ये क्लाउड जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है लाइटनिंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, देखो यहां से स्टार्ट हुए और ऊपर तक जो है हाई हाइट तक जो है ये चले जाते हैं। ये आपके स्ट्रेटस क्लाउड आप देख सकते हो, देखो ये लेयर की फॉर्म में जो है ये बने होते हैं। ठीक है, और जो सीरो क्लाउड जो होते हैं ये देखो सीरो क्लाउड जो होते हैं वो पैचेस जो है ये बने होते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। ऐसे ही स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं, जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं वो मैंने आपको बताया ना पैचेस बने होते हैं, ये देखो तो ये नीचे लेयर है और उसके ऊपर जो है ये पैचेस हैं। तो ये है सारे आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो क्लाउड्स के बारे में थी। इस क्लास की ये जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।